इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी भी प्रिमिटिव एलिमेंट का निगेटिव प्रिमिटिव यानी होलो बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्रिएट में जाकर इक्विपमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिसका मैंने नाम टेस्ट रखा। इसके बाद राइट हैंड साइड में सिलेंडर ऑप्शन चूज़ करा, जिसकी हाइट 3000 एंड डायमीटर 3 mm लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेंडर 3000 एंड हाइट 3000 दिया हो गया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करा तो डिज़ाइन विंडो में हमें सिलेंडर नेम शो हो गया। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड पैलेट में नीचे स्विच टू नॉर्मल प्रिमिटिव का क्लिक करा, जिस पर क्लिक करते ही हमें सारे प्रिमिटिव रेड हो गए, नज़र आने लगे। इसके बाद हमने सिलेंडर को क्लिक करा और यहाँ पर हमने हाइट 3000 फिल किया। अब हमें थिकनेस 10 mm लेनी है, तो इसलिए हम डायमीटर के लिए हमने 3000 -20 लिया, यानी 2980 लिया। हमें थिकनेस, क्योंकि हमें थिकनेस दोनों साइड से लेनी है, इसलिए हमने 20 mm माइनस करा। इस वाले सिलेंडर को रिप्रेजेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन मार्किंग हो गई। इस होलो सिलेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। यह हम इस सिलेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम कमांड विंडो में जाकर कमांड रिप्रेजेंट होल ऑन अपडेट लिख सकते हैं, या फिर सेटिंग में जाकर होल डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करके भी नेगेटिव प्रिमिटिव शो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कमांड विंडो के थ्रू इसको शो करता हूँ, होलो सिलेंडर को शो करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये लिखा REPR होल्स ऑन अपडेट। तो ये होलो होलो सिलेंडर ऑन हो गया। यदि मैं इसको ऑन की जगह ऑफ लिख देता हूँ तो ये पहले की तरह ऑफ हो जाएगा। इसी तरह हम आप देख सकते हैं कि नेगेटिव सिलेंडर यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह अगर हम ऊपर सेटिंग में जाकर और यहाँ से ग्राफिक्स में जाकर यहाँ पर होल्स डिराउन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से भी जो है अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई ओके करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह आपने देखा कि एक नेगेटिव प्रिमिटिव डिजाइन कर दिया। इसी तरह हम किसी भी प्रिमिटिव इक्विपमेंट का हम इसी तरह से नेगेटिव प्रिमिटिव शो कर सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ पर देखिए, हम इस तरीके से ऑन भी कर सकते हैं और इसे ऑफ भी कर सकते हैं।